वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज हम लोग इस वीडियो क्विज टेस्ट में देखेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के 25 ऐसे इम्पोर्टेंट सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत पत्र। क्वेश्चन नंबर टू, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर फाइव, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे सवाल है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1964 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैनुल आबेदीन को। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत रत्न पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अबुल फजल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। आगे सवाल है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औसादी चट्टान। आगे सवाल है, कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था, जिन्होंने शक संवत का शुरुआत करा था, जो अभी हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कनिष्ठ को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आगे सवाल है, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 20, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के परकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NaOH। आगे सवाल है,
रक्त वाहिनियों में रक्त को ना जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है? रक्त वाहिनियों में रक्त को ना जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किनका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आगे सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो के सभी सवाल अच्छे थे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, कर दिए हैं तो धन्यवाद, और अपने मित्र जनों में शेयर भी करिए। आप चाहे तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोरोना वायरस से बचकर रहिए। जय हिंद, जय भारत।